आज हम बनाएंगे गाइस सबसे बेहतरीन और बहुत ही फेमस राजमा की सब्जी। तो ये देखिए कितने टेस्टी बने हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं राजमा की ये बहुत ही बेहतरीन राजमा मसाला कढ़ी। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे राजमा। तो ये हमने एक कटोरी राजमा भिगो दिया था रात भर के लिए, ये देखिए, और इसको हमने दो पानी से अच्छे से धुल लिया है। तो चलिए अब हम इसको पहले बॉईल कर लेते हैं। हम एक कुकर लेंगे, इसमें हम कुकर में हम धुले हुए राजमा डाल देंगे और इसमें हम 1 कप पानी, आधा चम्मच ये नमक। अब इसको हम बॉईल करेंगे, 4 से 5 सीटी आने तक इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि हमारा ये राजमा गला है कि नहीं। हमने ये 4 सीटी लगाया था, राजमा हमारा बढ़िया से गल चुका है। चलिए हम इसकी सब्जी बनाते हैं। राजमा बनाने के लिए हमने ये 3 प्याज फाइनली चॉप कर लिया है लंबे लंबे, और ये हमने 3 टमाटर काट लिए हैं, और इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए हमने आधा चम्मच मिर्चा, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं राजमा। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच बड़े 2 चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें हम ये एक काली इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का और एक हरी इलायची डाल देंगे। इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 तेज पत्ता डाल देंगे। जीरा हमारा चटक जाए तो इसमें हम ये कटे हुए प्याज डाल देंगे। इसको अच्छे से लाल कर ले प्याज को। मीडियम आंच पे इसमें हम आधा चम्मच हींग डाल देंगे, क्योंकि हमने हींग नहीं डाला था तो इसको हम ऊपर से भी डाल सकते हैं प्याज में। तो प्याज हमारा भुन चुका है, इसमें हम ये सूखे मसाले ऐड कर देंगे। इसको बस थोड़ा सा भुनेंगे कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद हम इसमें ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है उसको हम डाल देंगे। इसको हम कम आंच पे, इसका कच्चापन निकलने तक, लहसुन और अदरक का कच्चापन निकलने तक भून लेंगे अच्छे से। अब ये हमारा मसाला भुन चुका है, इसमें हम ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दें। इसको भी हम अच्छे से टमाटर गलने तक भून लेंगे। तो गाइस मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, देखिए ऑयल रिलीज कर रहा है। इस स्टेज पे हम ये अपने राजमा डाल देंगे, इसको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। पहले हमने मसाला 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था, और अब हम राजमा डाल के इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम आधा चम्मच देगी मिर्च डाल देंगे कलर के लिए, और अब इसमें हम मात्रा अनुसार पानी डाल देंगे। जितना आपको ग्रेवी गाढ़ा चाहिए या पतला उसके हिसाब से पतला पानी डालें। और ये देखिए हमारा मसाला राजमा कढ़ी बन रहा है, बहुत ही डिलीशियस। तो इस तरह आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं ढक के। थोड़े से हमने और पानी डाल दिए, हमको थोड़ा सा गाढ़ा ज़्यादा लगा है राजमा।
इसको हम ढक के एक मिनट के लिए पका लेंगे। राजमा है तो गरम मसाला के बिना अधूरा है, तो इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसको कम आंच पे हम आधा मिनट और पका लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी राजमा बनके रेडी हो गई। गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़े से धनिया के पत्ती स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए हमारे राजमा कितने टेस्टी बने हैं। तो इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप राजमा तो आपने बहुत ही बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम सर्व करते हैं राजमा को। हमारा मसालेदार राजमा बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स? तो इस तरह आप बनाए और चावल के साथ खाए। राजमा चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से बनाए और खाए और हमें अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।